सुप्रभात बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। सब बच्चे कैसे हैं? बहुत दिन हो गए बच्चों मिले हुए आपसे, है ना। अब तो उस दिन ही मिलते हो जिस दिन आपकी लाइव क्लास होती है, उसमें भी सभी बच्चे नहीं आते, बहुत कम बच्चे आते हैं। पर बेटा, क्लास लाइव में ज़रूर आया करो, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बार अपने को किसी चीज़ में कोई डाउट होता है तो अपना डाउट भी क्लियर हो जाता है। टीचर से पूछोगे तो आपका डाउट अब ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो हाँ बच्चों, अपना पार्ट थर्ड कौन सी बुक में चल रहा था? बसंत में। बसंत में मैं आपको कौन सा पार्ट करवा रही थी? थर्ड पार्ट का नाम था नादान दोस्त। कहानी से आगे करवानी चाहते हैं, कहानी तक के प्रश्न उत्तर तो मैंने करवा दिए, अब कहानी से आगे वाला प्रश्न करवाने जा रही हूँ। तो फर्स्ट प्रश्न क्या है अपना? केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? केशव और श्यामा ने किसके बारे में अनुमान लगाए? अंडों के बारे में। उस जगह यानी कि उस जगह उन बच्चों की जगह तुम होते तो क्या क्या अनुमान लगाते, क्या क्या अनुमान आप भी लगाते और फिर क्या करते? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में निम्नलिखित अनुमान लगाए। पॉइंटों में करवाऊंगी मैं आपको फास्ट। सीधे पॉइंट नंबर उन अंडों में से बच्चे कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, अंडों में से बच्चे कैसे निकलेंगे, चिड़िया इनके लिए, चिड़िया इनके लिए दाना पानी कहाँ से लेकर आएगी? ये तो बेचारे भूख से ही मर जाएंगे, ये बेचारे भूख से ही मर जाएंगे अगर इनकी जगह इनकी जगह हम होते तो अंडों में से बच्चे निकलने का इंतजार करते,
करते। बच्चे निकल आने पर करते बच्चे निकल आने पर आने पर उनके पास भी उनके पास भी दाने की और पानी की कटोरी और पानी की कटोरी भर कर उनके पास भी दाने की और पानी की कटोरी भर कर रखते। ये कहानी से अनुमान लगाना था, ये सब अनुमान है, ये हमारा अनुमान भी लिख दिया और उनका अनुमान भी लिख दिया ताकि बच्चे भूख प्यास से ना मरे। ठीक है, ये तो था हमारा आंसर। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। माँ के होते सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के सोते ही नेक्स्ट प्रश्न है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोल कर, किवाड़ समझते हो ना, दरवाजा किवाड़ खोल कर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। क्यों बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। ये मैं आपको करवा रही थी प्रश्न नंबर 2। तो चलिए यहाँ लिखती हूँ इसका आंसर, मैं यहीं पर ही लिख रही हूँ। 2nd प्रश्न का आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ। कहानी से आगे का प्रश्न 2nd का आंसर लिखने जा रही हूँ। तो चलिए दोपहर के समय माँ पहले अपने बच्चों को सुलाती
और फिर खुद सोती और फिर खुद सोती खुद सोती थी खुद सोती थी और वो ही समय था और वह समय ही था वह समय ही था जो बच्चे बाहर आकर चुपचाप बच्चों को देख सकते थे। वही समय था जब वो बच्चों को बाहर देख सकते थे। यदि माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ नहीं लगाने देती इसलिए वे दोनों दोपहर को बिना बताए बाहर आ गए। उन्होंने माँ के पूछने पर भी बाहर निकलने का कारण इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस गलती के दोनों केशव और श्यामा केशव श्यामा बैठ रही थी दोनों ही जिम्मेदार थे क्योंकि इस गलती के दोनों ही जिम्मेदार थे। ये तो थे आपके कहानी से आगे के दो प्रश्न उत्तर। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका जो एक बचा है क्वेश्चन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। धन्यवाद।